हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल विंग्स ए कुरान सो गाइस हंड्रेड क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट जो कोर्ट टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड हम कर रहे हैं लेट्स सी uh, कि हम और कितना स्कोर uh, और जितना इम्पोर्टेंट टर्म्स होते आई ट्राई टू गेट इट फॉर यू क्योंकि एक लिमिट तक ही कर सकते हैं टेक्निकली ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज आएगी तो फिर तो हम लॉयर ही बन जाएंगे हमें लॉयर नहीं बनना है हमें यहाँ पे सिर्फ अपना एग्जाम क्रैक करना है वो टेन मार्क्स को हमने टारगेट करना है एंड जो अभी तक हमने आप देखेंगे एटी नाइनटी हंड्रेड तक क्वेश्चन है दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो मैंने उसको थोड़ा पॉलिटी के सेंस में भी लाया मैंने उसको थोड़ा जो आज के आप टर्म्स सीखोगे वट आई ट्राई टू डू इज कि मैंने इन जनरल थोड़ा बहुत और जो कॉमन टर्म्स यूज हो रही हैं उनको भी हाइव ट्राई टू तो इनकलकेट इन द डी ठीक है चलिए फिर शुरू करते हैं जिसकी मैं सेकेंड इसको मैं थोड़ा स्क्रोल डाउन कर लेती हूं यहाँ पे बिकॉज ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहां से ठीक है सो गाइज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग यहाँ पे अपनी टेस्ट सीरीज चलवा रहे हैं रिगार्डिंग है, आपका रिगार्डिंग uh, आपका जो जेकेपी पी कांस्टेबल है Uh, इसको थोड़ा सेट होने दीजिए चलिए स्टार्ट कर लेते देन इन बिटवीन आई कैन मैंशन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर हाई कोर्ट जज ओनली इन कंसल्टेशन विद सो हम लोग जानते हैं कि जो जितने भी हाईकोर्ट जजे जैसे जे एंड के हाईकोर्ट में कोई है कोई मुंबई में महाराष्ट्र हाईकोर्ट में कोई महाराष्ट्र के नागपुर बेंच में कोई बॉम्बे बेंच पे है कोई अलाहाबाद में सो so, जजेस की ट्रांसफ़र होती रहती है इट इज़ इम्पॉर्टेंट इट इज़ मैंडेटरी कि वो सेंस ऑफ बायसनेस ना वहां पे आ जाए अभी वी हैव सीन विद टाइम कैसे जे में भी दिल्ली से दो जजेस आए थे जस्टिस गीता मित्तल जस्टिस बदरुद्दीन अहमद ये आए थे दिल्ली से हमारे लिए यहाँ पे जजेस बनके बहुत अच्छा इनका टेन्यू रहा मिस्टर बदरुद्दीन अहमद इनफैक्ट जो फकरुद्दीन अली जो हमारे फॉर्मर प्रेजेंट ऑफ इंडिया हैं उनके बेटे हैं ठीक है सो जजेस की ट्रांसफर यहाँ पे होती रहती है अब प्रेजेंट करता है क्योंकि प्रेजेंट को अपॉइंट भी करता है अब मेरे को रेजिग्नेशन देना है एज अ जज तो मैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को दूंगी सो so, प्रेजिडेंट किसकी कंसल्टेशन से ट्रांसफर करता है जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न कोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है चीफ जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें करेक्ट आंसर आ जाता है आपका उन्हीं की कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन से आपकी जो हाई कोर्ट जजेस है उनकी ट्रांसफर हो जाती है ओके नेक्स्ट पे चलते हैं थोड़ा स्लो चल रहा है बट डज नॉट मैटर हम लोग फास्ट है ओके सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर डू लेट मी नो यूर टोटल स्कोर ऑल्सो आप में से कुछ बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करे सो वेल डन पावर टू इशू रिट्स इन हाई कोर्ट इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब वी नो सुप्रीम कोर्ट में अगर मेरे को जाना है उसमें जो रिट्स है फॉर माई फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन रेमडीज जो भी मैं वर्ड यूज करूं उसके लिए अगर मुझे जाना है सो दैट इज अंडर आर्टिकल थर्टी टू अगर मैं हाईकोर्ट में जारी हूं तो कौन से आर्टिकल टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी या टू फोर्टी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है टू ट्वेंटी सिक्स के रिलेटेड यहां पे आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं फॉर योर फंडामेंटल राइट्स प्लस फॉर योर लीगल राइट्स इन जनरल बट जो आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं फॉर योर आर्टिकल थर्टी टू में उसमें सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट्स ही रहता है अंडर एपलेट जुरिस्टिक्शन ऑफ द कोर्ट द अपील इज मेड फ्रॉम कहने का मतलब है कि अगर मैं हाई कोर्ट में एक अपील पे आई हूं तो वो अपील कौन से कोर्ट से आई होगी सो so, कोर्ट के नीचे जो फर्स्ट स्टेप वाला नीचे कोर्ट है वॉट इज दैट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट मुंसिफ कोर्ट या ऑल ऑफ दी इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ठीक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आता है आपका इसमें करेक्ट आंसर मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया आपका अगर आप सिविल मैटर में बात करते हैं सेशंस कोर्ट हम बोलते हैं व्हेन वी से इन रेफरेंस टू क्रिमिनल मैटर्स ठीक है तो अगर सेशन जज ने आपको फांसी की सजा दे दी है कुछ है तो जो नेक्स्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो आपका क्या रहेगा हाई कोर्ट आप इस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं इसको टू बी हाई कोर्ट जज द एडवोकेट हैज टू शो अ प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट जज की पोस्ट के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप हाई कोर्ट जज बन रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ प्रेफरेंस आ, आपको वहां पे दिखाना पड़ता है कि आपकी इतनी साल तक प्रैक्टिस थी कितने साल आठ साल दस साल सात साल या पांच साल ठीक है आपको यहां पे कम से कम दिखाना पड़ता है कि सात साल से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सो दैट इट हेल्प्स जो भी आपके इसके रिगार्डिंग है इट हेल्प्स इन दैट ठीक है प्रोसेस ऑफ एनल प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लॉज और लीगल टेक्स्ट इज कॉल्ड देखो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके ठीक है हेलो हाँ या गाइस ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके सेंस में एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लॉज और लीगल टेक्स्ट अगर मेरे सामने कोई लॉ है मैं उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रही हूं देखो एक लॉ पे महीनों तक बहस चलती है महीनों तक जब बहस चलती है तो उसी लॉ पे ऑपोजिट पार्टी भी उस पर बहस कर रहा होता है दैट मीन आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने चल रहे होते हैं कोर्ट uh, जो पार्टी ए है वो उसको बोलेगा कि इसको मैं इस तरह से पढ़ूंगा जो पार्टी बी है वो उसको किसी और एंगल से निकालेगी कोर्ट का, का काम है लॉयर्स uh, का, का काम है कि वो कोर्ट को गाइड करे एक्चुअली का लॉयर्स का काम कोर्ट में क्या होता है टू गाइड द कोर्ट इन टेलिंग कि ये इस लॉ को हम ऐसे पढ़ सकते हैं एंड दिस इज हाउ इट विल बेनिफिट माय क्लाइंट उसको क्या कहते हैं इंटरलोक्यूटरी के लिए एप्लीकेशन जोरिस्ट्रिक्शन रिज्वाइंडर या इंटरप्रिटेशन इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है इंटरप्रिटेशन ठीक है इंटरप्रिटेशन इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज या कभी कभी इंटरप्रिटेशन ऑफ केस लॉज ऑल्सो कहते हैं अगर कोई केस लॉज दैट मीन कोई प्रीवियस जजमेंट है तो उसमें मैं इनका इंटरप्रिटेशन निकाल सकती हूँ। मैं बोल सकती हूं कि ठीक है अगर कोर्ट ने बेल दी है इन सर्कमस्टांसिस पे और आप मुझे पुराना केस लॉ दिखा रहे हो मैं इसको इस एंगल से पढ़ू दैट डज नॉट मीन कि कोर्ट ने यह कहा So, मैं अपना इंटरप्रिटेशन क्या करूं हम देखो हम जब फ्रेंड्स कुछ बात करते हैं हम नहीं बोलते तूने कुछ और ही ले लिया मेरी बात को ये कुछ अलग ही इंटरप्रेट कर दिया सो हाउ यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट आप कैसे उसको अपने केस को सामने रख रहे हो अगर आप एक लॉ को यूज कर रहे हो कैसे यूज कर रहे हो जजमेंट को कर रहे हो तो कैसे यूज कर रहे हो ऑल दीज थिंग्स वर्क ओके वॉट डज द टर्म एबनिशियो इनिशियो मीन्स द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग स्टेटस को या इनिशियल स्टेटस गाइज इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है फ्रॉम द बिगिनिंग दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ही इस केस का स्टेटस ऐसा रखा है एबनिशियो वेरी फेमस टर्म बड़ी बार यह यूज होता है अगेन लाइक ए सैड की आपको यह कोर्ट टर्मिनोलॉजी कभी दिख सकता है कोर्ट में तो बड़ी बार सुनोगे नो डाउट दिस इज वॉट द मीनिंग मीन्स नेक्स्ट पे आते हैं नेचुरली अकरिंग इवेंट दैट कुड नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड इज कॉल्ड एक्ट ऑफ नेचर एक्ट ऑफ मैनकाइंड एक्ट ऑफ हेल्प या एक्ट ऑफ गॉड इस क्वेश्चन का मतलब है ध्यान से सुनो एक मूवी बड़ी फेमस हो गई थी आपकी ओ माय गॉड वो जो पहली वाली थी परेश रावल की उसमें वो एक्ट ऑफ गॉड की बड़ी बार बात करता है वो अक्षय कुमार की भी था उसमें आ, तो उसमें ये बोलते हैं कि जैसे आई थिंक वो परेश रावल बोलता है कभी कि अगर कोई वैष्णो की यात्रा में जाता है बस एक्सीडेंट हो जाता है ये है वो है तो एक्ट ऑफ गॉड की बात करते हैं सर्टन सर्कम्स जो हमारे हाथ में ना हो जैसे फ्लड्स हो गया आपका नेचुरल रादर नेचुरली अकरिंग इवेंट है ना आपका जैसे अर्थक्वेक आ गया तो जो हाथ में ना हो उसको हम क्या बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड ये टर्म आपका टॉट्स एक होता है लॉ ऑफ टॉट्स जहां पे सिविल लाइबिलिटी की हम बात करते हैं वहां पे ये आ, वहां पे ये ये बहुत बार टर्म यूज होती है ठीक है वहां पे ये टर्म बहुत बार यूज होती है एंड लाइक आई सेड इसका इसमें मीनिंग बड़ा क्लियरली आ जाता है आ, <coughs> कि एक्ट ऑफ गॉड को हो गए दैट मीन्स हमारे हाथ में था नहीं कि तो हम नहीं बोलते हर चीज में फिर हम भगवान को ही ब्लेम करते अच्छा हो बुरा हो Uh, तो उसी हिसाब से फिर हम एक्ट ऑफ गॉड की यहाँ पे बात करते हैं में में हो गया देखो आप जब कोर्ट में कोर्ट में ही बोलना पड़ेगा यार। नहीं बोलोगे तो फिर जेल हो जाएगी ओके सो एक्ट ऑफ वो एक आ, रहता है वहां पे ओथ लेते हो अमेस्ट एफ्रे अफोर्से इसमें जो मैंने पहले भी टर्म यूज की है आपके साथ एफर्मेशन दैट आई अफर्म कि मैंने जो आपके सामने बोला है जो मैंने अपना वकालतनामा भी एफिडेविट वकालत पेश किया है जो मैंने ओथ दी है जो मैंने टेस्टिमनी भी दी है सो आई आई प्लेज ऑन कि मैं किस हिसाब से यहाँ पे बात कर रही हूँ नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ अ टर्म विच हैज मोर देन वन मीनिंग इज कॉल्ड नाउ इसको उस एंगल से नहीं सोचो जो हम बात करते हैं ये कुछ और है ये कोर्ट की रेफरेंस में है ठीक है कोर्ट की रेफरेंस में इसको क्या बोला जाता है एमनेस्टी ऑल्टरनेटिव वर्डिक्ट एल्गोरिदम या एम्बिक्विटी इसमें करेक्ट आ जाता है आपका एम्बिक्विटी वी यूज दिस वर्ड इन जनरल स्टांस इन रेफरेंस टू अगर हमें uh, कुछ ना एग्जैक्टली लॉ exactly बोलना क्या जाता है ठीक है अगर मैंने अपने एंड से इंटरप्रेट किया आपने एंड से किया बट एक वो एक लॉजिकल रीजनिंग पे हम जाए कि ये लॉजिक ले कह रहा है मेरे को सो दैट इज कॉल्ड एम्बिग्विटी ऑफ वर्ड्स ये बहुत ही फेमस इंग्लिश टर्म है हाँ, आपके इंग्लिश के सिनोनम्स और एंटनम्स में भी ये बहुत बार यूज होता है पूछे सवाल इन लोगों ने सो लो so, देखो इंग्लिश भी कनेक्ट कर लिया सो दैट इज कॉल्ड एम्बिक्विटी कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है इसका मीनिंग एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ इज कॉल्ड अच्छा अब एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी होती है ठीक है अटॉपसी बेली फॉरेंसिक या मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन करेक्ट आंसर नहीं है मेडिकल एग्जामिनेशन हम किसी अलाइव पर्सन का भी ले सकते हैं जैसे कोई अनफॉर्चुनेटली uh, कोई रेप विक्टिम हो या किसी को इंजरी हुई है तो उनका भी कर सकते हैं इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है एटॉप्सी ठीक है एटॉप्सी आपका करेक्ट आंसर आता है पूरा डेड बॉडी का एग्जामिनेशन होता है क्या है और कभी कभी अटॉपसी में डेज भी लगते हैं कि दिस इज़ वॉट इट कैन लीड टू किस हिसाब से हुआ है पॉइजन का इफेक्ट बॉडी में कब तक रहा क्या क्या जो uh, जो भी अब मेडिकल कंडीशन हुई है अगर ब्रेकेज ऑफ बोन्स हुई है वो, uh, वो किस हिसाब से हुई किस लिमिट तक हुई है तो वो माइन्यूटेस्ट डिटेल्स ऑफ जो डेड बॉडी जो आता है वो अटॉपसी रिपोर्ट का वेट करते हैं बड़ी बार न्यूज़ में भी सुना होगा अटॉपसी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं ठीक है गाइज <coughs> लाइक एस एट गाइज इसमें वी हैव डन नाउ हंड्रेड टेन क्वेश्चन ऑनिस्टली एक लिमिट तक ही हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं आई कैन गेट वन और टू मोर वीडियोज फॉर इट उसके बाद आई कैन कम बैक विथ समथिंग न्यू फॉर यू मैं आपके लिए पॉलिटी के लेक्चर्स ला सकती हूँ ठीक है तो इस पॉलिटिकल लेक्चर्स जो आपके ऑलमोस्ट हर कोर्स में ऑफकोर्स कोर्स एड होंगे काम आएंगे इसके लिए इतना रखते हैं कल परसों और वीडियो लाने की कोशिश करते हैं एक लंबा वीकेंड आ रहा है इन्जॉय करिए बीच में टाइम निकालिए पढ़ने के लिए भी थोड़ा इन वीडियो के थ्रू इट विल श्योरली हेल्प यू अलॉट टिल देन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट uh, अनाउंसमेंट यहां पे बता देती हूं रिगार्डिंग या uh, yeah. हमारा जो गाइस जूनियर असिस्टेंट का uh, ये है कोर्स है ऑनलाइन अवेलेबल है ऑन आर ऐप इसको परचेज़ करें यू विल फाइंड द एंटायर पी डी एफ देर अपलोडेड न्यूली फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप में से अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कॉन्स्टेबल को टारगेट कर रहे हैं कॉन्स्टेबल की सीरीज कॉन्स्टेबल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं प्लीज लेट दैम नो ये हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है थर्टीन सेक्शनल है और पाँच फुल लेंथ टेस्ट है बहुत ही रिगरस हमारी प्रॉपर कॉन्टेंट क्रिएशन की टीम ने यह बनाया है बहुत डिटेल में है आपको हंड्रेड क्वेश्चन मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन की चिंता मत करिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये मिलेंगे एंड अभी तक जो हमारे साथ बच्चे एनरोल्ड हो गए हैं काफ़ी एनरोल हो गए हैं दे आर बीन वेरी हैप्पी विद इट सो एज मै इट इज माई जॉब मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आप भी उनकी हेल्प करिए जो ये कोर्स जो ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं ठीक है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे मैंशड है हमारे इनफैक्ट जो प्रोफाइल uh, है जो अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उधर भी मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल विंग्स ए कुरान पे भी Plus social media apps will be you will keep on finding. So utilize this time and keep on watching and sharing the video. Okay? Bye bye.